आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। भारत जोड़ो यात्रा का प्रदेश में नौवां दिन, राहुल गांधी को लोगों ने बताई समस्या, काम करने के सीएम गहलोत को आदेश दिए। पीएम मोदी की हत्या की बात कहने वाला कांग्रेस नेता गिरफ्तार, पटेरिया के घर सुबह 5:30 बजे पहुंची पुलिस, पार्टी भी नोटिस देगी। अरुणाचल में भारतीय सेना ने चीनी सैनिकों की हड्डियां तोड़ी, पीएलए के 600 जवान गलवान जैसा हमला करने आए। जबरन मिलिट्री करियर में धकेले जा रहे हजारों बच्चे, अमेरिका के कई पब्लिक स्कूलों पर लगे आरोप। फाइनल में एक कदम दूर मेसी, फुटबॉल वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल एक क्रोएशिया अर्जेंटीना के बीच। नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का। सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ आज मथुरा दौरे पर रहेंगे, जिसके लिए प्रशासन की तरफ से तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जानकारी के मुताबिक वीएन फौजदार स्कूल में सीएम के कार्यक्रम को लेकर सुरक्षा का चाक चौबंद इंतजाम किया गया है। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ 822 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास कर प्रबुद्ध सम्मेलन को संबोधित करेंगे और सरकार के द्वारा लाभार्थियों का प्रोत्साहन बढ़ाया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी का जो जनपद में कार्यक्रम है, उसको दृष्टिगत रखते हुए हमारी व्यापक सुरक्षा व्यवस्था रहेगी। कल की त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था हमारी रहेगी, आउटर कॉर्डन, इनर कॉर्डन और आइसोलेशन कॉर्डन। हमारे विभिन्न जो भी हमारे कार्यक्रम स्थल हैं वहाँ पर, साथ ही साथ रूट में भी हमारी व्यापक सुरक्षा व्यवस्था रहेगी। सिविल पुलिस के अलावा पीएससी की डिप्लॉयमेंट, ट्रैफिक की डिप्लॉयमेंट, सादे वस्त्रों में सूचना अभिसूचना संकलित करने के लिए हमारे जो फोर्स है उसकी डिप्लॉयमेंट, उसके अलावा हमारी स्पेशलाइज टीम जो एएस चेक और बीएडीएस है, इनकी भी हमारी डिप्लॉयमेंट रहेगी। आगरा में सीआईएसएफ आईजी ने विश्व विख्यात इमारत ताजमहल की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया और G20 की व्यवस्थाओं के लिए आला अधिकारियों के साथ बैठक की। आईजी के साथ ताजमहल निरीक्षण के द्वारा जिलाधिकारी सहित कई आला अधिकारी मौजूद रहे। वहीं ताजमहल निरीक्षण के बाद सीएसआईएफ आईजी सभी अधिकारियों के साथ ताजमहल के परिश्रमी द्वार के नजदीक बने ताज रेस्टोरेंट में लंच करने भी पहुंचे। फिरोजाबाद में थाना उत्तर के वार्ड नंबर 24 मोहल्ला किशनगंज के लोगों में आरक्षण को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। जानकारी के मुताबिक वार्ड नंबर 24 के लोगों ने एससी सीट को लेकर विरोध प्रदर्शन किया, जबकि वार्ड नंबर 24 में लगने वाले पांचों मोहल्ले के ज्यादातर सामान्य जाति के लोग रहते हैं। सभी नियमों को ताक पर रखकर वार्ड नंबर 24 के पार्षद पद के लिए अनुसूचित जाति सीट आरक्षित की गई है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के जेएनएमसी मेडिकल कॉलेज के बाहर दलालों के जमावड़े को लेकर छात्र नेता राजा भैया के द्वारा प्रशासन को बड़ा अल्टीमेटम दिया गया है। बता दें, राजा भैया के द्वारा साफ तौर पर दलालों पर अंकुश लगाने के लिए एक प्रार्थना पत्र डीएम अलीगढ़ को सौंपा गया है, जिसमें राजा भैया के द्वारा मांग की गई है कि लंबे समय से मेडिकल कॉलेज के बाहर दलालों के द्वारा गरीब असहाय मरीजों को ठगने का काम किया जाता है। जानकारी के मुताबिक जबरन मरीजों को एम्बुलेंस के माध्यम से प्राइवेट हॉस्पिटल में भेजा जाता है, जिससे गरीब व असहाय मजदूरों को की जेबों पर प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों के द्वारा डाका डाला जा रहा है, जिसको लेकर कई बार आला अधिकारियों से शिकायत के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। वहीं दूसरी ओर एएमयू प्रशासन के द्वारा भी अब तक कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई है। वही छात्र नेता का ये भी कहना है कि अगर कार्रवाई नहीं हुई तो अनशन करेंगे।
देखिए ये जेएनएमसी में ट्रामा सेंटर के बाहर एम्बुलेंस माफिया और दवा माफिया लगातार गरीब मरीजों को प्राइवेट एम्बुलेंस के जरिए प्राइवेट हॉस्पिटल में पहुंचाने का काम कर रहे हैं। इसके खिलाफ नेशनल मेडिकल कमीशन में भी कंप्लेंट की थी और एएमयू एडमिनिस्ट्रेशन को लिखी थी, लेकिन अभी तक तो कोई भी कार्रवाई नजर नहीं आती। एएमयू प्रशासन की साठ गांठ के चलते एम्बुलेंस माफिया दवा माफिया डेली गरीबों को लूटते हैं। जब आप मेडिकल जाएंगे तो डेली कोई ना कोई गरीब मरीज ये कहता हुआ मिलेगा कि हमको जबरदस्ती एम्बुलेंस में उठा करके प्राइवेट हॉस्पिटल ले जाया गया और वहाँ प्राइवेट हॉस्पिटल से एक एक मरीज से लाखों रुपए वसूले जा रहे हैं, कोई भी कार्रवाई नजर नहीं आती है। आपके द्वारा राजा भैया ने ज्ञापन दिया है समाज सेवी ने कि ये कुछ दवा माफिया और एम्बुलेंस माफिया है, ये गरीब व्यक्तियों को जबरदस्ती अपनी जो है एम्बुलेंस में बैठा करके प्राइवेट हॉस्पिटलों में ले जाते हैं, तो उनको तत्काल रोका जाए। इस संबंध में इन्होंने श्रीमान जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन दिया है, इसमें जो है प्रभावी कार्रवाई कराई जाएगी। जिलाधिकारी महोदय देखिए, इसकी काफी समय से मांग हो रही है सर, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो पाती, दबंगई चलती रहती है। इस पे जो है जिलाधिकारी महोदय इस पे प्रभावी कार्रवाई करेंगे, कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। ठीक। फरीदाबाद में सब इंस्पेक्टर को 4000 की रिश्वत लेते विजिलेंस की टीम ने गिरफ्तार किया। तो वही सब इंस्पेक्टर ने रुपए निगलने की कोशिश की, जिसके साथ ही विजिलेंस की टीम के साथ सब इंस्पेक्टर धक्का मुक्की की, जिसकी तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। भैंसन रात को खोल करके ले गए थे आपकी? हाँ हाँ, हमारी, और उसको घर में घुस करके मारे भी, पीटे पोते को भी मारे, और उसके बाद उसका बाप हमसे बात करने लगा तो हाँ, वो उसका लड़का खोल करके भैंस ले गए 4-5 आदमी। फिर पुलिस में गए तो बोले कि वो ये तो पैसा दो तब भैंस खुलवाएंगे। फिर भैंस का 15000 रुपया मांगने लगा तो 4000 एक बार दिए, फिर 2000 एक बार दिए, फिर 4000 आज दिए, तो ये पकड़ में आया। गोंडा में प्रदेश सरकार के जीएसटी छापेमारी पर लगाई रोक के बाद व्यापारियों के चेहरे पर मुस्कुराहट लौट आई और बाजार फिर से गुलजार हो गए। जानकारी के मुताबिक पिछले सप्ताह से राजकर अधिकारियों द्वारा लगातार छापेमारी करने से बाजारों में कोहराम मचा हुआ था, जिसके बाद व्यापारियों ने छापेमारी को लेकर नाराजगी जाहिर की। शासन के निर्देशानुसार फिलहाल राज्य कर अधिकारी पिछले सप्ताह छापेमारी के दौरान प्राप्त संकलन का विश्लेषण कर आगे की कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। मैं इसमें आपको अवगत कराना चाहता हूं, हमारे व्यापारी बंधुओं को आपके माध्यम से, कि आज से इस विशेष अभियान जो कि मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा निर्देशित था और वाणिज्य कर मुख्यालय द्वारा इसका निर्देशन किया जा रहा था, उसको अग्रिम आदेशों तक स्थगित किया गया है। जिन व्यापारियों की जाँच हुई है, अब उनके जो डाटा प्रस्तुत किए करेंगे, जवाब प्रस्तुत करेंगे, उनकी एनालिसिस की जाएगी, तब तक के लिए इसको स्थगित किया गया है। आने वाले दिनों में यदि कोई शिकायत प्राप्त होती है या कोई व्यापारी करामचे लिप्त पाया जाता है तो उसके विरुद्ध कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। कुशीनगर के नगर पंचायत सुकरौली पेट्रोल पंप के सामने घने कोहरे के कारण दिखाई ना देने से पीछे से आ रहे ट्रक चालक ने अचानक ब्रेक लगा दी, जिस उसके पीछे चल रही गाड़ियां असंतुलित होकर आगे की ट्रक से टकरा गई, जिससे हाईवे पर जाम लग गया, जिससे चालक सहित अन्य लोग घायल हो गए, जिन्हें स्थानीय लोगों की मदद से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भेजकर इलाज कराया गया। सूचना पाकर हाईवे पेट्रोलिंग टीम ने जाम को हटवाया। कोहरे की ही दूसरी घटना नगर की है, जहां नहर पर आगे चल रही ट्रक को डीसीएम ने जोरदार टक्कर मार दी, जिससे डीसीएम का आगे का हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। हरदोई में मल्लावा कोतवाली क्षेत्र में मोहल्ला गंगारामपुर स्थित सोहनलाल इंटर कॉलेज में कौशल विकास केंद्र के तहत कंप्यूटर प्रशिक्षण केंद्र 2 दिन पहले 27 लैपटॉप चोरी हुए थे, जिसकी शिकायत पुलिस थाने में की गई। पुलिस ने जब इस मामले की जांच शुरू की तो स्कूल की बाउंड्री की झाड़ियों में 9 लैपटॉप फेंक कर चोर फरार हो गए।
लखनऊ में थाना जानकीपुरम के सेक्टर 3 स्थित एक तालाब में गाय के 2 बछड़े फंस गए, जिन्हें निकालने के लिए पीआरबी 4575 पर तैनात हेड कांस्टेबल पर होमगार्ड ने तालाब के अंदर कूद गए और सुरक्षित उनकी जान बचाई, जिसके बाद अस्पताल के लोगों ने पुलिस कर्मियों की सराहना की। लखीमपुर मैलानी थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम सुआबोच में राजा मंडी के सामिया कॉलोनी में ट्रैक्टर ट्रॉली से गिरकर एक युवक की मौत हो गई, जिसकी खबर सुनते ही परिजनों में कोहराम मच गया। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच शुरू कर दी। गाड़ी उधर से आ रही थी, ट्राली, हाँ ट्राली उधर से लेके आ रहे थे, तो ये बीच में यहाँ गड्ढा है पास में, और जो ड्राइवर था उसने भी थोड़ी दारू पी रखी थी, और जो बैठा था उसने भी शराब पी रखी थी। इस साइड में 3 लोग थे, ये लोग, एक उसमें से भाग गया है, ड्राइवर को पुलिस ले गए, वो बंदा एक्सपायर हो चुका है। जैसे कि अभी सूत्रों के हवाले से एक खबर मिल रही थी, परिवार वाले या उसके भाई लोग चेक कर रहे थे, पुलिस पैसे की कोई ऐसी डिमांड कर रही थी? नहीं नहीं, पुलिस कोई डिमांड नहीं कर रही। अच्छा, पुलिस एक घंटा लेट आई यहाँ से, खबर इनको 7:50 पे मिली है, पुलिस यहाँ पे 1 घंटे में आई है। मैलानी की पुलिस को आने में इतना समय लगता है, अभी किसी को पकड़ना हो, दारू पकड़नी हो तो 10 मिनट में उनको पकड़ लेंगे जाके। हाँ, यहाँ ट्रैक्टर जो है ये, इसमें आप क्या लोड करके ले गए थे? ईंट ले गए थे। किस भट्टे से? गोल्ड भट्टे से। अच्छा, ये उत्तर प्रदेश के मुखिया का कहना है कि ईंट ये ट्रैक्टर ट्राली में सिर्फ कृषि कार्य में ही प्रयोग होगा, तो आप कमर्शियल काम ईंट भट्टे का क्यों प्रयोग कर रहे थे? सर, भट्टे मालिक चलवा रहे हैं। नहीं, भट्टे मालिक कह रहे हैं, लेकिन आपको जानकारी नहीं है कि प्रदेश के मुखिया क्या कह रहे हैं? सर, वो तो हम वो चीज नहीं मालूम था। अच्छा, नहीं मालूम था। ईंट आप कहाँ गिरा के आए थे? खजुरिया। उत्तर प्रदेश की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस